ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस छठे दिवन श्रीमद् भागवत आयोजन में, और शर्मा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद भूरी भूरी कि उनकी कृपा से अयोग्य होते हुए भी श्रीमद् भागवत की सेवा करने का मौका मिला है। जीवन में ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हम भागवत की सेवा कर सकें श्रवण के द्वारा और प्रवचन के द्वारा। भागवत स्वयं भगवान है कलयुग में, इसके 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं, जिसका दसम स्कंद भगवान का मुख, और उसमें भी रास पांचाध्याय। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, उसमें 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक रास पांचाध्याय। ये भगवान का अधरामृत है उष्ट ओठ, और उसका पान निरंतर वेणु करती है, इसलिए हम वेणु गीत की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कई सारे गीत गाए हैं। जब भगवान ने अर्जुन को गीत सुनाया उसका नाम पड़ा भगवत गीता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र पे कभी कभी लोग भागवत को भी भगवत गीता कह देते हैं। भागवत गीता नहीं है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता अर्जुन को कृष्ण ने महाभारत के युद्ध प्रारंभ से पहले सुनाई, और भागवत परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने शुकताल तीर्थ हरिद्वार के पास गंगा के तट पर सुनाई। 45 मिनट में भगवत गीता सुनाई गई थी और 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनाया गया। तो ये दोनों अलग ग्रंथ हैं, इनको एक नहीं बोलना चाहिए, भगवत गीता और भागवत। तो भगवान के मुख से जो गीत निकला वो बना भगवत गीता। जब भगवान ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान दिया तो उसका नाम पड़ा उद्धव गीता। इन सबसे श्रेष्ठ गोपियों के मुख से जो गीत निकला वह गीत बना गोपी गीत, और गोपियों को प्रेरणा देने वाला जो गीत है जिससे गोपियां वह गीत गा सकीं, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सकीं, उस गीत का नाम है वेणु गीत। हमने कल श्रवण किया वेणु गीत का रूपरेखा को, और आज हम वेणु गीत पे चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण की वेणु माधुरी जब बजती है तो वृंदावन में क्या माहौल होता है, कैसा वातावरण होता है, उसका अनुभव हम सब दृश्य दर्शन करेंगे। तो आज भगवान अभी गोवर्धन नहीं उठाए हैं, गोवर्धन उठाने से पहले ही
यह वेणु गीत प्रसंग आ रहा है भागवत में। तो भगवान ने दसम स्कंद के 21वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की सुंदर वेणु का वर्णन किया कि ठाकुर जी उस वेणु को अपने साथ सदा लेकर कर चलते हैं। कभी कभी ठाकुर जी जब मक्खन चुराते हैं किसी किसी के घर पे, तो गोपियां कहती हैं, देखो देखो यशोदा तुम्हारे लाला ने मक्खन चुराया है। तो कृष्ण वेणु को आगे रख करके अपना बचाव करते हैं। कहते मैंने कहा मक्खन चुराया है, कहा देखो कितना झूठ बोलता है तुम्हारा लाला, मुख पर मक्खन हाथ में मक्खन, फिर कहता है मैंने मक्खन नहीं चुराया। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मर जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। सिद्धं नवनीत चोरम गोपांगनाना चतुकूल चोरम। भगवान व्रज में प्रसिद्ध चोर है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। गोपांगनाओं के वस्त्रों को चुराने वाले, नवनीत यानी मक्खन को चुराने वाले, नवाम बुध श्यामल कांति चोरम नए नए बादलों की अंग कांति चुराने वाले, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम अनेक अनेक जन्मों में जो पाप किए हैं उनको चुराने वाले हैं कृष्ण, इसलिए उनका नाम है हरि, जो सब कुछ हरण कर लेते तुम्हारे पापों का, केवल बोलना होता है हरि बोल। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनाना चतुकूल चोरं। भगवान अग्रगण्य चोर है। कहा रे यशोदा ने चोर मक्खन चुराता है और फिर मना करता है मैंने मक्खन नहीं चुराया। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। अब ठाकुर जी झूठ तो बोलते नहीं पर एक ही वचन में दो बातें बोल रहे हैं, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो और मैया मेरी मैंने ही माखन खायो। तो बड़ी सुंदरता से अपनी वाक्पटुता से अपनी बात को घुमा डालते हैं। ये ठाकुर जी का स्टाइल है, कभी कभी अपनी बात को घुमाया जाता है, ठाकुर जी घुमा देते हैं। बोले तुमने नहीं चुराया तो तुम्हारे हाथ में कहां से आया, तुम्हारे मुख पर कहां से आया। बोले मैया मैं वेणु बजा रहा था और गौचरण से आ रहा था, एक गोपी ने अपने घर के बाहर एक मटका रखा मक्खन का, तो मैं टकरा कर मेरी जो वेणु थी वो गिर गई मटके के अंदर। जब मैंने मटके से निकाली तो मेरे हाथ में मक्खन लग गया और जब मैंने वेणु बजाई तो मेरे मुख पर मक्खन, मैं नहीं मक्खन गाई। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनाना चतुकूल चौरम अनेक जन्म जित पाप चोर चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
कभी कभी एक ही वाक्य में कई भाव होते हैं, और इसी को कहते हैं संस्कृत व्याकरण को जानना। जबकि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जो बोलता हूं वह गुरु कृपा से है। इस कौन में आने के बाद ही सारी व्याकरण संस्कृत सीखा श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, वरना मैं तो साइंस पढ़ता था। एक विज्ञान से संस्कृत की ओर आना और अपनी संस्कृति की ओर आना और फिर वो संस्कृति संसार को बताना, तो ये तो गुरु कृपा ही है, भगवान की कृपा है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में, जिसमें एक श्लोक में तीन भाव दिए गए हैं। क्या श्लोक है? चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर स्वर्ण को खोजत फिरत, कवि भय चारी चोर। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर स्वर्ण को खोजत फिरत, कवि भय चारी चोर। तीन लोग इसको ढूंढ रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। एक लाइन पर तीन लोगों पर स्थापित होती है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। जैसे ही चरण रखता है चिंता करता है, चितवत उसका चित चारों ओर जाता है। स्वर्ण को खोजत फिरत, कौन? कवि। सबसे पहला नाम है कवि। जो कवि होते हैं वो एक चीज से कोई ना कोई काव्य रचना करेंगे। तो चरण धरत चिंता कर, चिंता करता है चलते चलते, अपने चलते चलते, चितवत चारों ओर कि कोई टॉपिक मिल जाए, चिड़िया, आकाश, पॉलिटिक्स, विज्ञान, वोट, लड्डू, पेड़ा, कथा, भक्त, कुछ भी मिलता। तो चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर स्वर्ण को खोजत फिरत। स्वर्ण क्या है? सुवर्ण। वर्णमाला के अच्छे अच्छे अक्षर ढूंढता है कवि। सुवर्ण खोजत फिरत कवि, पहला नंबर है कवि का। अब दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी वो होता है जो अनेक अनेक स्त्रियों पर अपनी नजर रखता है। उस पर ये श्लोक कैसे आएगा? बोले चरण धरत चिंता करत, चलता है तो चिंता करता रहता है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर सब जगह देखता रहता है। स्वर्ण को खोजत फिरत है, ऐसी स्त्री जिसका रूप स्वर्ण जैसा हो, कौन? बोले कवि, वह बेचारी। और तीसरा है चोर। चोर जब चलता है चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, हर तरफ उसका चित जाएगा, स्वर्ण को खोजत फिरत, कहां धन है, स्वर्ण को खोजत फिरत है कवि, वह बेचारी चोर। तो एक एक ही श्लोक तीन लोगों पर जाता है। तो व्याकरण को समझना इतना सरल नहीं। तो ऐसे कई सारे वाक्य हुए, जैसे हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया, रामचरितमानस में एक आता है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। इस पर इतना बवाल होता है टीवी मीडिया ये वो, अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्यान करते हैं। परंतु ये बोलना कि प्रिंटिंग की गलती है, ये बोलना कि उनकी गलती है, ये बोलना कि उनके भाव की गलती है, ये हमारी गलती है। इसकी असलियत में ये जो चार अक्षर हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये जो पांच चीजें हैं, इन पांचों पे एक श्लोक पांच प्रकार से भाव व्यक्त करता है। जैसे इस श्लोक में कवि व्यभिचारी और चोर पर व्यक्त करता है। कैसे? ढोल, ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है कि जो ढोल है जब उसे बजाते हैं, प्रभु जी आते हैं तबला बजाने से पहले क्या करते हैं, एक मिलाना पड़ता है, एक स्टील का रॉड लेकर उसको बजाते हैं। दिखा दीजिए कैसे करते हैं अपना। तो ये तो इसको फाड़ना कहेंगे कि ताड़ना कहेंगे, या इसको मारना कहेंगे? ताड़ना का मतलब है करेक्शन, टक 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 टक, जो थोड़ी त्रुटियां ठीक कर लेना ताकि सुर मिल जाए, फिनिशिंग टच। तो सुवर्ण, सुवर्ण जैसे कविता के लिए जरूरी है, वैसे ही इसको तानना कहेंगे। ताड़ना को क्या कहेंगे? तानना। तानेंगे उसको, टाइट करेंगे ताकि अच्छे से बज सके ढोल। गंवार, अब गंवार के संदर्भ में ताड़ना का शब्द है गाइड करना, कि एक गंवार व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको गाइड करना पड़ता है, भाई इस बैंक में पैसे रख लो, शराब मत पियो, अपने पैसे का दुरुपयोग मत करो।
ताड़न। जैसे मटका होता है, जब बनाया जाता है तो मटके में अंदर से भी चोट की जाती है, ऐसे हाथ लगा के और ऊपर से चोट मार दे ताकि मटका पूरा परफेक्ट बन जाए, है कि नहीं। और तीसरा है शूद्र। शूद्र के संदर्भ में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है उसको पढ़ाना। अगर किसी शूद्र को एजुकेट किया जाए, आज कितने कॉलेज स्कूल खुलते हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन को समझाने के लिए, ताकि तुम भी पढ़े लिखे बनो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, तो शूद्र के संदर्भ में उसको पढ़ाई कराना, एजुकेशन, उसको अध्ययन करवाना। पशु के संदर्भ में ताड़ना शब्द का अर्थ है कि उसको अगर कोई बैल है, उसके पीछे गाड़ी लगा के चल रहे हो आप, बैलगाड़ी लेके, अगर हाथ में आप लाठी नहीं रखोगे तो बैल बेतुका होकर के रोड में एक्सीडेंट कर देगा। खाली लाठी रखो, मारने की जरूरत नहीं है, तिक तिकाते रहो। और गौ उच्चारण जो करते हैं वो भी हाथ में कृष्ण कन्हैया लकुटी रखते हैं लाठी, और आ आ आ आती गाय, और उसको पता इधर उधर नहीं जाना क्योंकि हाथ में लाठी खाली रखने से। महावत के हाथ में एक छोटा सा क्या रखता है हाथ में, अंकुश, और उस अंकुश माध्यम से पूरा बड़ा हाथी को एक छोटा सा महावत कंट्रोल करता है। तो पशु के संदर्भ में कंट्रोल करने वाला, जैसे एक आदमी गाड़ी चलाता है ब्रेक को कंट्रोल करता है, ताड़ना शब्द हो गया पशु के संदर्भ में कंट्रोल करना। नारी के संदर्भ में सुरक्षा, जैसे कोमल स्त्री को सुरक्षा की आवश्यकता है, क्यों, क्या कोमल है वो शरीर की रूपरेखा से, बोले नहीं, कोमल है वो इमोशंस को लेकर के। पुरुष हार्ड होता है इसलिए शमशान में चला जाता है, स्त्रियों को नहीं जाते हैं क्योंकि वो कोमल होती है हृदय से, सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए उन्हें जननी कहा गया है, मातृतुल्य कहा गया है, माता जननी होती है क्योंकि वो प्रेम प्यार परिवार को लेकर चल रहा है। लेकिन पुरुष वैरागी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, लेकिन स्त्री परिवार का त्याग नहीं करती है, वो घर में रहती है क्योंकि वो इमोशनल होती है। तो पुरुष एक लोहे के समान है और स्त्री एक सोने या डायमंड के समान। तो जितनी रक्षा हम डायमंड की करते हैं उतनी रक्षा करनी है, इसलिए ताड़न शब्द का अर्थ है सुरक्षा प्रदान। तो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे हमने पहले श्लोक में चर्चा किया, और इसलिए ये बोलना अरे नारियों को पशु बोला है, नहीं नहीं नहीं, एक श्लोक के 5 अर्थ हैं, एक ही श्लोक में अलग अलग संदर्भ आते हैं। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। तो ताड़ना का मतलब मारना नहीं। बच्चों के संदर्भ में आता है कि पंच वर्षे तलाड़े ना, 10 वर्षे तताड़े ना, 16 वर्षे मित्रम समाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार करना चाहिए, लाड़न, फिर 10 से 15 साल ताड़न। ताड़न मतलब मारो पीटो, गाइड करो उसको, गलती करेगा उसको सिखाओ बेटा ये मत करो वो मत करो, गाइड। तो यहां पर भी अलग संदर्भ आ रहा है बच्चे के संदर्भ। 16 वर्ष के बाद वो मित्र के जैसा होना चाहिए, समाचरित, मित्रम समाचरित। तो इस तरह से भगवान कृष्ण वाक्पटुता दिखाते हैं अपनी, और मैया मेरी मैं नहीं माखन खाए। तो कृष्ण आज प्रवेश करते हैं वृंदावन के अंदर, सुंदर बांसुरी सुंदर वेणु बजा रहे हैं, तो सुंदर छवि का दर्शन करना है तब हम वेणु गीत में प्रवेश कर पाएंगे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, काना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे।
के धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शरद ऋतु प्रारंभ हुई है, कार्तिक शरद पूर्णिमा आई है, कृष्ण जा रहे हैं कैसे? इतको मथुरा उत गोकुल नगरी, इत 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 मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच में यमुना भये धीरे धीरे, बीच में यमुना धरे धीरे धीरे, शाम शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कृष्ण तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरि हरि बोल। आपको दृश्य अपने मन में दर्शन करना होगा, ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेशंति वृंदारण्यम। यशोदा मैया ने कहा है, कहना छोटा है उसका सुरक्षा करो, ध्यान से लेकर जाओ। इससे पहले बछड़े चराते थे, अभी गोपाष्टमी गुजरी है और अब गाँव उच्चारण करने लगे हैं कृष्ण, तो सुरक्षा के लिए कौन कौन है? इता मधु मंगल उत में सुदामा, इता मधु मंगल इत सुदामा, इत मधु मंगल उत में सुदामा, इता मधु मंगल इत सुदामा, इता मधु मंगल उत में सुदामा, इत मधु मंगल इत सुदामा, इत मधु मंगल उत में सुदामा, इत मधु मंगल इत सुदामा, बीच में काना चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे श्री यमुना के धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के धीरे। दर्शन पाने के लिए छुप छुप कर आ रही हैं, क्योंकि गोपियां नृत्य करती हैं रात्रि काल में और दिन का समय है गौचारण का,
तो गोपियों को प्रवेश नहीं है गोचरण लीला के अंदर आने का, तो छुप छुप कर वृक्षों के पीछे से आ रहे हैं किस भाव में। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता इत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता इत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता इत में विशाखा, इत में ललिता और उत में विशाखा, इत में ललिता इत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, नाम तेरी मुंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे, श्याम तेरे बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। उत्सव मनाया जा रहा है, कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डारी पे झूला झूला पड़ो है, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। हरे राम हरे राम राम राम।
कृष्णा 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 हरे हरे जय गोविंद हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बज रही है धीरे धीरे हरी बोल हरी बोल निताई गोरा हरी बोल हरी बोल हरी बोल निताई गोरा हरी बोल हरी बोल हरी बोल निताई गोर हरी बोल हरी बोल हरी बोल निताई गोरा हरी बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण अपनी वेणु लेकर के इतनी सुंदर छवि है यमुना नदी बह रही है गिरिराज गोवर्धन जी
के प्रांगण में अनेकों वृक्ष लता पताए कंदराओं के मध्य भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया लेकर के गौ चरण के लिए जा रहे हैं। तो श्री गोपियां भगवान की वेणु को देखकर के मात्सर्य भाव में, जलन के भाव में, किसने ऐसा क्या कर दिया, वो कल हमने बताया था कि वेणु भगवान कृष्ण के अधर पर पहुंच गई। तो उन्होंने कुछ गीत गाए हैं जो कि श्लोक संख्या 7 से प्रारंभ होकर श्लोक संख्या 20 तक जाते हैं। 20 ही श्लोक हैं इस अध्याय में, तो 13 श्लोक हम समझेंगे क्रम में एक के बाद एक। श्री गोपया उचहो अक्षवणताम फलम इदम परम विदाम सख्या पशुना अनुविवेशयतो वर्यसे वक्त्रं व्रजेशा सुतयो अनुवेणु जुष्टम् ये वार्यो निपितम् अनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर सबसे सुंदर चीज क्या है, अक्षमताम फलम इदम। गोपियों ने कहा अक्षमणात, अक्ष का मतलब है आंखें। इस संसार में अगर किसी ने अगर नेत्र पाए हैं, गोपियां कहती हैं, तो उसका फल क्या है। जैसे कोई व्यक्ति कहे अगर पुत्र हुआ और अगर वो सुपुत्र हुआ तो ठीक है, ये फल मिला। किसी के बच्चे अच्छे बनते तो लोग कहते हैं अच्छा है, आपके अच्छे संस्कार थे, आपकी मेहनत का फल मिला है, आपके बच्चे अच्छे निकले हैं। आपकी आंखें हैं, इसका फल क्या है। बोले आंखें हैं और अगर आपने जीवन में कृष्ण का दर्शन नहीं किया, उनकी रूप माधुरी से आकर्षित नहीं हुए, तो गोपियां कहती है फिर ये आंख नहीं है, खाली क्या है, गड्ढे हैं और उनमें 2 बटन लगे हुए हैं। हाँ, मोर के पंख वाली आंख, गड्ढे हैं और बटन लगे हुए हैं। आपके बटन है कि आंखें हैं? आंखें, कान है लेकिन इन्होंने कभी हरि कीर्तन नहीं सुना, हरि कथा नहीं सुनी, तो कान नहीं है, सांप के रहने के बिल हैं। तो कान होने का फल क्या है कि सदा हरि कथा का श्रवण किया जाए। जिह्वा है लेकिन इस जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का प्रसाद नहीं पाया, तो ये जीभ क्या है, एक झाड़ू जो कि मल साफ करती है ना, घर के अंदर टॉयलेट क्लीनिंग के ब्रश होते हैं वैसी है, क्लीनिंग करती रहती दुनिया की गंदगी की, लेकिन जब तक ये हरिनाम नहीं लेती, प्रसाद नहीं पाती है, ये जिह्वा का फल नहीं हुआ। तो गोपियां कह रही हैं अक्षणवताम फलम, अक्षणात फलम इदम, उसका फल क्या है, न परम विदाम, इससे ऊपर कोई फल नहीं है। सख्या पशुना अनुविशेष्य, तो आपको वन में प्रवेश करता हुआ देखना और वो रूप माधुरी का दर्शन करना, इससे उत्तम आंखों का कोई फल नहीं हो सकता है। और किसी किसी पर कृपा करके जब आप अपने कटाक्ष निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, कटाक्ष क्या होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं शब्दों के माध्यम से शब्दों को भी कटाक्ष कहा जाता है, लेकिन यहां पर कटाक्ष शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण की तिरछी निगाह। भगवान जब चलते हैं तो उनकी गति को ललित गति कहा गया है। ललित गति कैसी गति है, सुंदर, ललित गति बहुत सुंदर। जाकी टेढ़ी मेढ़ी चाल वो है यशोदा के लाल, जाके घूंघर वाले बाल वो है यशोदा के लाल, जाकी टेढ़ी मेढ़ी चाल वो है यशोदा के लाल, जाके घूंघर वाले बाल वो है यशोदा के लाल। इस गति को ललित गति कहा गया है। और कटाक्ष जब अपनी तिरछी निगाह से किसी को दर्शन दे, वैसे तो ठाकुर जी देखते नहीं है किसी की ओर, लेकिन जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं उसको कटाक्ष। अगर कभी मायापुर गए हो भक्त लोग तो राधा माधव का जब दर्शन करेंगे तो
तो उसमें गोपियां कृष्ण को अपनी तिरछी निगाह से कटाक्ष से देखती है किनारे से है? हाँ अष्टखी मंदिर में। तो वैसे ही कृष्ण कटाक्ष यानी तिरछी दृष्टि, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी के भक्तों ने लिखा तिरछी दृष्टि। और मोक्षम, जिस पर कटाक्ष पड़ गई तिरछी दृष्टि, उसका मोक्ष होना निश्चित हो जाता है। बस ठाकुर जी की तिरछी दृष्टि पड़नी चाहिए। कहते हैं ना, नैनों की कवारी वारी 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 वारी, नैनों की कवारी, नैनों के किनारे से उस पर गोपियां, नैनों की कवारी वारी 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 वारी, किनारे से कटाक्ष कर दें तो सारा काम हो जाता है। तो इतनी सुंदर अद्भुत रूपरेखा ठाकुर जी की वर्णन करी गई गोपियों के माध्यम से, और वो कहती हैं इस आंखों का फल है ठाकुर जी की दृष्टि हमें मिल गई वन में आते, उससे उत्तम और क्या हो सकता है। अगले श्लोक में कहती हैं, ओ प्रवाल बहस्तबक उत्पल अबचह माला अनु प्रत्य परिधान विचित्र वेशो मध्य विरेजतु अलम पशुपालन गोष्ठयम् रंगे यथा नटवरो कच गायमानो। अपने आकर्षक परिधान पहनकर, ऊपर माला डालकर, काली कमली डालकर, मोर पंख लगाकर के ऐसा लगता है जैसे आम के कपोल हैं, आम के कपोल, पुष्प कलियों के गुच्छे, और अलंकृत किए ग्वाल बालों के साथ एक नाटक मंच पर कोई नाटक, मेन लीड हीरो, साथ में उसके आर्टिस्ट जोर लगा रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा, चल रहे हैं ठाकुर जी की वो दर्शन बहुत सुंदर रूप से देखा गोपियों ने। तो गोपियां कह रही हैं कि ये जो वेणु है ना, ये सौतन है हमारी, और दूसरी सौतन है ये यमुना नदी, क्योंकि ये दो ही हैं जिनको ठाकुर जी अपना मुख लगाते हैं। गोपियों को दृष्टि से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कभी कभी घूमते घूमते एकाध चुंबन कर दिया तो कर दिया, लेकिन किसी को अपना स्पर्श नहीं देते हैं। लेकिन वेणु सदा रस अमृत पान कर रही है, अधरा अमृत। और जो यमुना नदी है उसमें कृष्ण देखते हैं, बलराम देखते हैं, गाय मुंह लगाकर पानी पी रही हैं। तो कृष्ण कहते हैं चले दाऊ हम भी गैया बने, तो वो भी मुंह लगाते हैं। जब गोपियां देखती हैं कहते इनको मुंह लगा रहे हैं, हमको मुंह नहीं लगाते, क्योंकि लोग बोलते हैं ना जैसे कोई बड़ा आदमी तो कह रहे अरे वो तो हमें मुंह ही नहीं लगाते, हमारी इज्जत ही नहीं है, हमें मुंह ही नहीं लगाते। ये व्यक्ति बोल रहा था, बोला मेरा कोई नहीं है संसार में, तो हमने पूछा क्यों, कह रहा छोटों को मैं मुंह लगाता नहीं, महंगा तो बड़ों के साथ रहा करो, कह रहे बड़े हमें मुंह लगाते नहीं। तो मुंह लगाना मतलब इज्जत पाने वाली बात है यहां पर। तो गोपियों ने यह बात कही, गो पया किमा चरे दयम कुशलम स्मवे हेडू दामोदर धर सुधाया पिगो पिकाना भुंते स्वयं यतविष्टरसम हृदयन्नयो हर्षया त्वचोऽश्रु मुमुचुः तर्व यथा आरया। हृदयो, हृदयो शब्द का अर्थ है नदियां। यमुना जी को बोला उनको अपना मुख लगाते हैं, और ये जो वेणु है इसको इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि जिस परिवार से आई है ना, उस परिवार का त्याग करके आई है, बांस परिवार का, और बांस परिवार आज भी रो रहा है। जब बांस को काटा जाता है तो रस निकलता है, तो गोपियां कहती देखो देखो ये रस निकल रहा है ना, ये एक्चुअली इसके परिवार के लोग रो रहे हैं। और ये बात सत्य भी है, वृक्षों के अंदर प्राण होते हैं,
जब आप उन्हें काटते हैं तो वो रोते हैं। पशुओं में प्राण होते हैं, जब आप उन्हें मारते हैं खाते हैं तो वो रोते हैं। और साइंस कहती है जो लोग ज़्यादा पेड़ काटते हैं या जो लोग ज़्यादा पशु हत्या करते हैं खाने के लिए, ये विज्ञान कह रहा है, उस व्यक्ति के हृदय के अंदर भय बैठ जाता है, वो डरता रहता है। क्योंकि जब आप किसी पशु को मारते हैं या किसी पेड़ को काटते हैं तो भयभीत हो जाता है, मैं मरने वाला हूँ। तो उसके जो कर्मा रिएक्शन है, कर्म का प्रतिफल इस व्यक्ति के हृदय में आ जाता है और ये भय से भयभीत होता है। इसलिए आप देखिए जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग ज़्यादा निर्भय होते हैं और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो भयभीत होते हैं। इसलिए वो गोली रखते हैं, बंदूक रखते हैं, बात बात पर खंजर चलाएंगे, गोली चलाएंगे, क्यों? डर के कारण। उन्हें डर लगता है कि कोई हमें मारा, ठचा गोली चला। आदमी कहेगा नॉन वेज खाने से तो ज़्यादा गोली चलाते हैं, हाँ, क्योंकि वो डरते हैं। और जो वेजिटेरियन वो डरता ही नहीं, उसको गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से ये भय, पेड़ के अंदर भी प्राण है। तो ये कह रहे हैं कि जब बांस को काटा गया तो बांस रो रहा है परिवार की, मेरी पुत्री चली गई और फिर उसके टुकड़े करे गए, लोहे की शलाखाओं से छिद्र बनाए गए। और फिर भगवान ने उसके इस त्याग को देख करके उसे अपने मुख पर धारण किया। प्रभु त्याग से बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बार श्री वृंदावन धाम में अकबर का एक सैनिक आया, कहता है राजा अकबर को माला पहनानी है गुलाब की, कितने की है? तो पुराने जमाने की बात है, 1 रुपए की माला आती थी, और भी कम रही होगी, उदाहरण स्वरूप 1 रुपया। 500 साल पहले तो और भी कम रहा होगा, सोने सिक्के चलते थे। तो उदाहरण स्वरूप में उसने कहा 1 रुपए की माला। तो एक भक्त था जिसे अपने श्याम सुंदर जी के लिए माला चाहिए थी, मंदिर में पहनाना था। बोला श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर जाऊंगा, ठाकुर जी के गले में पहनाऊंगा। तो उसने बोला ये मुझे दे दो। कहा 1 रुपए की है, तेरे पास है 1 रुपया गरीब? तो उसने कहा ठीक है, मैं गरीब हूं लेकिन 1 रुपया है मेरे पास, भगवान के लिए जो भी कुछ कमाया है वो मैं ठाकुर जी को दे सकता हूँ। तो उस जमाने में 1 रुपया कमाना मुश्किल था, तो बोला 1 रुपया दे रहा हूं। तो अकबर का सैनिक बोला राजा अकबर की माला इस भिखारी को, इस पुजारी को मैं 5 रुपए देता हूं, ये मैं लूं। भक्त बोला 5? सोचने लगा, 10 दिन की कमाई महीने भर की लगभग ऐसे काट कर कुछ नहीं बचेगा, इस महीने बच्चे खाना कैसे खाएंगे, चलो 5 रुपए मैं देता हूं, ये माला मेरे भगवान के लिए दे दो। सैनिक बोला ये तो अड़ गया है। कहता है 10 रुपए दूंगा, ये माला अकबर के गले में जाएगी। और वो भक्त बोला 10 रुपए, 6 महीने तक बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, चलो मैं पानी पिला लूंगा, कुछ मांग लूंगा दूध, 10 रुपए। तो अकबर का सैनिक कहता है 20 रुपए, राजा अकबर की माला छूना नहीं। तो भक्त कहता है 20 रुपए, झोपड़ी बिक जाएगी, कपड़े बिक जाएंगे, बर्तन बिक जाएंगे, सब बेचूंगा तो 20 रुपए आ जाएंगे, 20 रुपए। तो राजा अकबर का जो सैनिक था बोला ये तो पागल है कोई, मैं जाता हूं। तो अकबर का सैनिक तो चला गया, अब ये जो भक्त था ये खड़ा रहा। जब भक्त खड़ा था तो उस भक्त से वो फूल वाले ने कहा अब नाटक नहीं कि वो चला गया तो 1 रुपए में दे दो, दूंगा 20 में ही, चाहे नाली में फेंक दूं, दूंगा 20 में। वो घर गया, अपने बच्चों को बोला बाहर निकलो, जिस घर में रहता था कक्ष में, किसी व्यक्ति को बुलाया, प्रॉपर्टी डीलर को बोला ये जमीन ये सब कितने में बिकेगा, उसने जो भी दिए 20-25 रुपए, सारा खर्च बेचकर बच्चों को लेकर आया अपने, रोड पर माला ली, उसके पैसे दिए, वो लाकर के भगवान राधा श्याम सुंदर के गले में माला पुजारी को दी, पुजारी ले जाकर माला भगवान के गले में जैसे पहनाते हैं बांके बिहारी में, राधा वल्लभ में, राधा रमण में, भगवान की माला भगवान को अर्पित करी। जब माला अर्पित करी तो गोसाई जी बैठ करके मंत्र बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति गान करते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, प्रार्थना कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं, भगवान की जो गर्दन थी, मार्बल की जो मूर्ति थी, विग्रह जो था, उसकी गर्दन आवाज आई टचक, ऐसे लटक गई गर्दन। अब गोसाई तो घबरा गए, इतनी पुश्तैनी प्राचीन विग्रह, इसकी गर्दन लटक गई, क्या हो गया? अरे घबरा गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या लीला है, क्या हो गया?
ये क्या हो गया, ये माला माला पहनाते ही क्या हो गया, क्या किसी पापी की है, क्या कोई अनर्थ हो गया, कोई अपराध हो गया, प्रभु बताइए। तो भगवान ने उस गोसाई पुजारी से कहा कि नहीं नहीं गोसाई जी, ये गर्दन टूटी नहीं है, ये गर्दन इस भक्त ने जिसने माला दी है अपना सर्वस्व समर्पित करके, जो खुद रोड पर आ गया मुझे माला पहनाने के लिए, उसके त्याग को देख करके मेरी गर्दन झुक गई है। अब दो मत कुछ भगवान को और मांगते रहो तो ठाकुर जी भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो भगवान ने वेणु को इसीलिए अपने हाथ में उठाया और अपना अधरामृत पान कराते हैं, उसका त्याग देखो ना। आपको कोई थोड़ा सा बोल दे आपको नाराजगी हो जाएगी। वेणु ने 6 छिद्र बनवाए अपने अंदर लोहे की सलाका से, लेकिन कभी चू नहीं किया। अपने परिवार को छोड़ दिया है, परिवार के आंसू टपक रहे, गोपियां कह रही शायद हो सकता है इसीलिए कृष्ण उसको अपने हाथ में धारण करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कृष्ण का जो वेणु वादन है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक। अलौकिक यानी इस लोक से परे का एक गायन है। गोपियां सुनती हैं तो उनको माधुर रस की प्राप्ति होती है। यशोदा माई भी वेणु सुनती है, ऐसा नहीं कि वेणु केवल गोपियों के लिए थी। यशोदा माई सुनती है जब वेणु तो उनके वात्सल्य रस वृद्ध होता है, और जब गाय सुनती हैं तो उनका शांत रस वृद्ध होता है, अब जब ग्वाले सुनते हैं तो उनका साक्ष्य रस वृद्ध होता है। तो ये वेणु किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कि गोपियों के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं, ठाकुर जी सबके लिए बांसुरी बजाते हैं। ये वेणु का मुख्य कार्य दो है, लोगों को उनके दुख से दूर करना, और दूसरा सभी के रसों में एक एक जीव को उनकी उनके रस अनुसार अपनी ओर आकृष्ट करना, आकर्षित करना। और कृष्ण वेणु इसलिए भी बजाते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है, गोपियों को कहीं चिंता ना हो कि कृष्ण वर्षा ऋतु में तो यहीं थे लेकिन अब जब शरद ऋतु आई है तो जंगलों में चले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जंगल में जाकर पांव में कांटा चुभ गया हो, पादुका पहनते नहीं हैं। वैकुंठ में तो पादुका पहनकर घूमते हैं स्वर्ण पादुकाएं, लेकिन जब गोकुल में आते हैं तो कभी कुछ पहनते नहीं चरण में, तो कहीं इनको कुछ चोट न लग जाए। तो इसलिए भगवान अपनी वेणु बजाकर नृत्य का अनुभव कराते हैं कि गोपियों चिंता मत करो, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। अगर कोई हारमोनियम बजा रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, नाच रहा हो तो इससे पता चलता है वो इतनी खुश है। जब आप लोग अभी हरि नाम में उछलते हैं तो पता चल जाता है आप कथा में प्रसन्न हैं, आप खुश हैं। और कोई मुंह लटका के बैठा हो किनारे में तो पता चल जाता है बेचारा बड़ा दुखी है, जबरदस्ती आके बैठा है, पता चल जाता है उसके भाव से। तो कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं ताकि गोपियों के चित्त की संतुष्टि हो कि हमारे कृष्ण कन्हैया बिल्कुल ठीक है। तब गोपियां पुनः देखती हैं कि कृष्ण अब वन के मध्य भाग में आ गए हैं गोवर्धन के पास, और कई मयूर नृत्य कर रहे हैं कृष्ण के साथ साथ। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिः यत देवकी सुतं भुजलब्धा लक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूर नृत्यम् प्रेक्षाद्रिसानु अवरत अन्न समस्त सत्वम्। हे सखी, देव के पुत्र कृष्ण के चरण कमलों का कोष खजाना पाकर वृंदावन की पृथ्वी भी कीर्तिमान हो गई है। जब कृष्ण चलते थे तो उनकी जो चरण चिन्ह बनते थे उनको पृथ्वी माता हटाती नहीं थी, जैसे हम चलेंगे और अगले दिन जाएंगे तो हमारे चिन्ह हट जाएंगे, लेकिन कृष्ण के जो चिन्ह अंकित होते थे उन्हें पृथ्वी हटाती नहीं थी। यह सोचती थी मुझ पर बड़ी कृपा करिए, ठाकुर जी मुझ पर चल रहे हैं। तो भगवान के लिए हमने कल एक श्लोक सुना था, स्वपद रमणम, स्वपद
स्वपद का मतलब है अपने ही चिन्हों पर, कृष्ण भी तो चालू हैं, दूसरे चिन्ह नहीं बना रहे हैं, जहां चिन्ह बने स्वपद उन्हीं चिन्हों के ऊपर पैर रखकर चलते हैं रोज, तो गहरे बनते जा रहे हैं। इसलिए आज भी वृंदावन में चरण पहाड़ी, ठाकुर जी के चरण चिन्ह विराजमान है अनेक जगह 84 कोस में, चरण पहाड़ी भक्तों ने दर्शन किया हमारे साथ, चरण पहाड़ी ध्वजा चिन्ह दिखाई देंगे, बड़े बड़े पांव हर जगह आपको, उंगलियां सब दिखेगा, चरण चलते हैं चिन्ह बन जाते गहरे गहरे, क्यों? स्वपद रमणम, उन्हीं पदों पे रमण करते हैं रोज, हटते नहीं है उनके चिन्ह। तो पृथ्वी माता कह रही है देव की सुतपद आम्बुज, उनके कमल रूपी चरण लब्धम लक्ष्मी, ऐसा लगता है मुझे कुछ धन मिल गया है। लब्धम लक्ष्मी यानी कृष्ण के चरण मिल जाना जीवन में लक्ष्मी पाना है। गोविंद वेणु अनुमत्त मयूर नृत्यम, और जब गोविंद की वेणु बजती है तो मयूर नृत्य करते हैं, और मयूरों को नृत्य करते देखकर बलराम भी उतर जाते हैं, वो भी नृत्य करते हैं। और उधर ग्वाल बाल देखिए लिखा है आद्री सानु अवरत अन्य समस्त सत्वम, आद्री यानी पर्वत, इसलिए गोवर्धन जी को एक नाम दिया गया है गिराद्री, आद्री यानी बड़ा, आद्री यानी पर्वत। जैसे आप हिमाचल वहां जाएंगे इस बार नीलांचल भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी तो उसको कहते हैं नीलाद्री नीला पर्वत है ना। भगवान गोवर्धन को कहा गया है हरिदास वर्यम, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ, आद्री यानी पर्वत। प्रेक्षा आद्री सानु अवरत अन्य समस्त सत्वम, जितने ग्वाल बाल हैं वो सब पर्वत पर चढ़कर गोवर्धन पर बैठ गए ऊपर, और नीचे देख रहे हैं कृष्ण मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं, उधर नृत्य चल रहा है, मयूर नृत्य कर रहे हैं अपना, और उधर कृष्ण उनको वेणु बजा बजा के नृत्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, इसलिए यहां पर जब मयूर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते मयूर का मन करता है मैं अपने पंख कृष्ण के चरण पर अर्पित करूं, तो डांस करते करते आता है और कृष्ण के पास ऐसे कर देता है तो एक पंख कृष्ण के चरण में गिर जाता है, और ठाकुर जी उस पंख को उठा लेते हैं और उठाकर कहते हैं यहां लगाऊं यहां लगाऊं, तो सीधा लगाते हैं ऐसे यहां, जैसे लगाते हैं तो राधा रानी का स्मरण करके मयूर राधा रानी की ओर वाम भाग में झुक जाता है लेफ्ट में। तो यहां वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्ण, यहां मोरपंख लगाते हैं। तो यहां पर कई बार लोग पूछते हैं कि ठाकुर जी मोरपंख क्यों लगाते हैं, तो उसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है कि हे गोविंद आपने हमें नचाया, और नचाकर जो आनंद आपने हमें प्रदान किया है, आपने जो वंशी बजाकर हमें हमारे कानों को कृतार्थ किया है, और अपना ये सुंदर स्वरूप दिखाकर हमारी आंखों को जो फल प्रदान किया है फलम इदम, इसके लिए हम आपको अपना पंख अर्पित करना चाहते हैं। और प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण उस भेंट को स्वीकार करते हैं। कई बार आचार्यों ने ऐसा भी वर्णन किया क्योंकि मयूर एक ऐसा पक्षी है जिसमें काम वासना नहीं होती है, वो कभी काम लिप्त नहीं हुआ, उसके काम वासना के त्याग के कारण कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने काम पर विजय पाई है उसे मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं वृंदावन में कृष्ण नंगे पांव चलते हैं, और पृथ्वी पर अपने चरण कमलों के चिन्ह बनाते हैं ध्वजा अंकुश छत्र शंख, और वह दिव्य स्थल वैकुंठ से भी अधिक यशस्वी हो गया। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो पादुका पहनकर चलते हैं पर गोवर्धन में नंगे पांव चलते हैं। गोपियां कहती हैं देखिए इस वेणु गीत को सुनकर उन्माद उत्पन्न हो रहा है उनके हृदय में, और गोपियां कहती हैं धन्यास्मा मूढ़ गतयो अपि हरण्येता यानंद नंदनम उपात विचित्रवेशम आकारेण वेणूर्णितम
सह कृष्ण सारा पूजां दधु विरचितां प्रणये अवलोकये। हमसे ज्यादा तो ये हिरण हिरणी धन्य है, हे मूर्ख हिरणी धन्य है तू, क्योंकि हमें कृष्ण का निकट प्राप्त नहीं हुआ लेकिन तुम्हें कृष्ण की निकटता प्राप्त हो रही है। क्यों? हिरण और हिरणी दोनों कृष्ण को आकर ऐसे रगड़ रहे हैं और कृष्ण उनको हाथ से प्रेम कर रहे हैं। तो गोपियां कह रही है, क्या मैं हिरण नहीं बन सकती? पहले बोले वेणु नहीं बन सकती, फिर बोली कि मैं मयूर नहीं बन सकती, फिर बोली क्या मैं हिरण नहीं बन सकती, काश हम हिरण होते हिरणी होते। एक हिरण और हिरणी का परिवार है, कितना अच्छा है, पति पत्नी दोनों कृष्ण सेवा में लगे हिरण और हिरणी। लेकिन एक हम हैं अभागी, हमारे पति हमको कृष्ण से मिलने नहीं देते, हमें भक्ति करने नहीं देते, कितनी अभागी हैं हम। वेणु आती जा रही है और उन्माद उत्पन्न होते जा रहे हैं उनके मन में, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और हर एक से कंपैरिजन चल रहा है, सबसे पहले वेणु से, फिर मयूरों से और अब हिरण हिरणी से, कि वो दोनों साथ में सेवा करते हैं और हमें अकेले करनी पड़ती है। ये देखो आकाश में देवता जो हैं, कृष्ण के सौंदर्य से आकाश मार्ग में देवताओं की जो कन्याएं हैं वह भी आकर्षित होती हैं, अप्सराएं। तो अगर देवियां जिनके पास सुंदर सुंदर देवता विराजमान है वो आकर्षित हो जाती हैं अगर कृष्ण की सौंदर्यता से, तो हम ग्वालिन अगर आकर्षित हो गई इसमें हमारा क्या दोष? अब कंपैरिजन किससे किया? स्वर्ग लोक की देवियों से, अप्सराओं से। अगर वो आकर्षित हो सकती हैं कृष्ण से और हम हो गई तो इसमें हमारा दोष क्या है, हमारी क्या गलती है? कृष्णम निरीक्षया वनिता उत्सवम रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वाणित वेणु विवक्त गीतम् देवयो विमानगतया स्मरणुन्नसारा भ्रशत प्रसुनकबरा मुमुहुः विनिवये। अब देखिए गोपियां मयूर को देख पा रही हैं तो समझ में आता है कि गोपियां कोई गांव की थी, हिरण को देख रही हैं तो समझ में आता है कि गांव की थी। अगर गोपियां वेणु को देख रही समझ में आता गांव की है, लेकिन गोपियां साधारण नहीं है यह श्लोक स्थापित करता है। देवयो विनमयो, देवताओं को भी देख रही हैं, देवताओं की कन्याओं को देख रही हैं, यानी उनकी दृष्टि स्वर्ग लोक तक जाती है गोपियों की, तभी तो देख रही हैं। और ये भी देख रही हैं उनके कबरा, कबरा यानी उनके वस्त्र, केश सारे खुल गए हैं कृष्ण को देखकर। जब कभी किसी में प्रेम अधिक बढ़ता है तो उसके शरीर के वस्त्र उसके बाल ढीले हो जाते हैं। तो कह रहे हैं प्रसन्न कबरा मुमुहु विनिवये, उनके शरीर के बाल ढीले हो गए हैं, प्रेम में पता ही नहीं रहता कि बंधे हैं कि ढीले हैं, इतनी उन्मत्त हो चुकी कृष्ण के आकर्षण में। अगर हम हो गई तो इसमें हमारा दोष क्या है? कृष्ण की चितवनी ऐसी है। अब गायों को देख करके गोपियां कह रही हैं, देखो 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 गायों को देखो, कृष्ण जब वेणु बजाते हैं, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उत्तभीत कर्ण पुटे पिबन्तये शावास्नुत स्तन पये कवलास्म ततस्थो गोविंदम आत्मनि दृशा अश्रुकालास्पृशन्तये। गायों ने अपने थन से अपने बछड़ों को दूध पिला रही थी, लेकिन जो उनके बछड़े हैं वो कृष्ण के मुख से निकले वेणु गीत को सुनकर अमृत का पान कर रहे हैं और उन्होंने अपनी माँ के थनों से दूध पीना बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं ये दूध अमृत से ज्यादा बड़ा कृष्ण का वेणु अमृत है जिसे हम कान से पिएंगे और मुख से पीना बंद कर दिया। और
आचार्य गण कहते हैं ये बछड़े और कोई नहीं है, यह भक्त है जो भगवान कृष्ण की उपदेश रूपी भागवत गंगा भागवत अमृत का श्रवण करने के लिए संसार रूपी अमृत के दूध का पान करना भौतिक बंद कर देते हैं और उसको पीना बंद करके मुख को बंद करके कानों को खोलकर ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का श्रवण करने लग जाते हैं। जब वेणु बज रही है तो जो चिड़िया पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, प्रायो बतांब विहगा मुनयो वने अस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदं कलवेणु गीतं आरुरहं ये द्रुम्भुजान् रुचिर प्रवालान् षड्वयन्ति मलित दृशः विगत अन्नवाच। अरे माई, कृष्ण का दर्शन करने हेतु इस जंगल में सारे पक्षी उड़कर के वृक्षों की सुंदर सुंदर शाखाओं पर बैठ गए हैं और एकांत में अपनी आंखों को बंद करके वंशी की मधुर ध्वनि को सुन रहे हैं। ऐसे बैठे पक्षी और अन्न ध्वनि के प्रति अब आकृष्ट नहीं होंगे। सचमुच ये पक्षी नहीं है, गोपियां कहती हैं ये कौन है। शवयन्ति मलित दृशः विगत अन्यवाच, ये जो आंख बंद किए बैठे हैं विहगा मुनयो, ये बड़े बड़े मुनि हैं जो वृंदावन में पक्षी बनकर घूम रहे हैं। वृंदावन के पक्षी भी साधारण नहीं है, मुनि हैं जो आंख बंद करके कृष्ण की वेणु श्रवण करते हैं। साधारण जीव नहीं है, वेणु श्रवण करते हैं। गोपियां कहती हैं अरे, गोपियों ने एक दूसरे को क्या कहकर पुकारा, माई, जबकि हैं कौन, मित्र हैं, गोपियां हैं, गोपी कहना चाहिए, प्रिया कहना चाहिए, सुंदरी कहना चाहिए, सखी कहना चाहिए, क्या कह रही हैं, माई। क्यों? क्योंकि कभी कभी गोपियों को यह भान ही नहीं पता चल पा रहा कि हम कृष्ण को किस भाव से बोले। कभी वो उनको पुत्र रूप में वात्सल्य करके माई एक दूसरे को कह रही हैं कि ए मां गोपी सुन, इससे मेरा विवाह करा दे, ये कितना सुंदर है ना। दूसरी गोपी को अपनी मां समझ के ये माई, उस भाव में गोपियां पक्षियों को देखकर मुनि कह रही हैं। तब नदी की ओर दृष्टि जाती है कि वेणु की बांसुरी की आवाज सुनकर, वेणु की ध्वनि सुनकर जो यमुना नदी सीधी बह रही थी वो एकदम स्थिर हो गई और उस स्थिर नदी ने अपनी दो लहरें उठाई हैं जैसे दो हाथ उठ रहे हैं। और तभी किसी वैश्य परिवार जन ने, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, किसी भक्त ने यमुना माई को एक अंबुज कमल अर्पित किया है और उस कमल को जैसे ही पानी में डालो तो वो भाव में बहता है ना, ऐसे उठता है, तो वो दोनों हाथ उठाकर वो अंबुज वो कमल ठाकुर जी को अर्पित कर रही है और नदी भी स्थिर हो गई है, बहना बंद हो गया है। नदहा तदा तद अपाधे मुकुंद गीतम आवृत्त लक्षित मनोभाव भग्न वेग अलिंगनास्तगितम उर्मी भुजे मुरारे ग्रहन्ति पाद युगलम कमल उपहार। कमल का उपहार यमुना नदी ने दिया है, वेणु सुनकर स्थिर हो गई है, शांत हो गई है। वो जो उसका वेग था नदी का, खलखल बह रही थी, वो भी वेणु सुनकर शांत हो गई है। हम भी अगर कृष्ण की वेणु रूपी उपदेश को सुनेंगे, हमारे मन के अंदर जितनी उथल पुथल है सब शांत शांत पूर्ण शांत हो जाए। तभी गोपियों की दृष्टि आकाश की ओर जाती है। दृष्टा तपे व्रज पशु न साह राम गोपे सच्चारयन्तं मनुवेणुं उदीरयन्तं प्रेमे प्रवद्ध उदिता कुसुमावलिभिः सख्यो व्यधात् स्ववपुषा अम्बुद आत्रपत्रम्।
राम गोपाए, गोपियों ने कहा देखो कृष्ण के साथ बलराम भी हैं, कृष्ण और बलराम दोनों हैं। जब ये निरंतर अपनी बांसुरी बजाते हो, कृष्ण को बलराम जी ने देखा तो बलराम भी अपनी बांसुरी बजाने लग गए। और ये देखकर आकाश के घने घने बादल आ गए हैं। अब कभी कभी शरद ऋतु में बड़ी धूप होती है और वो धूप चिलचिलाती धूप होती है, सर्दियों की धूप बड़ी जलाने वाली होती है, बैठा नहीं जाता धूप में कभी कभी। जब अभी सर्दी आई तो ये अच्छी धूप है, लेकिन शरद ऋतु की धूप ना सर्दी ना गर्मी तो बड़ी जलता है उसमें, एसी चला नहीं सकते और धूप से बच नहीं सकते, तो गर्म जलता है आदमी, मच्छर भी इसीलिए बहुत होते हैं उस वातावरण में, टेम्परेचर मिक्स हो रहा होता है। तो ऐसे वातावरण में जब कृष्ण और बलराम को बांसुरी बजाते देखा तो बादलों ने अपनी छांव कृष्ण के ऊपर कर दी, नीचे कृष्ण बलराम चल रहे हैं और केवल बादल कृष्ण के ऊपर 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 ऊपर, जहां जहां कृष्ण चल रहे हैं इनको कहीं धूप न लग जाए। वेणु सुनकर आकर्षित हो गए हैं बादल भी। जो भील स्त्रियां हैं वो वेणु सुनकर आ गई हैं और पत्तों के बीच में से देख रहे हैं कौन है, इतनी सुंदर वेणु कौन बजा रहा है, इतना सुंदर आर्टिस्ट कौन आया है। तो वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं भगवान कृष्ण के चरणों में जो माई ने आलता लगाया लाल लाल, वो जब चरण चिन्ह बनते हैं पृथ्वी पर और मिटते नहीं हैं तो वो लाल लाल आलते लग गए हैं, तो जब कृष्ण चले जाते हैं तब आदिवासी निकल कर आती हैं बाहर, देखती हैं चिन्ह है कृष्ण के होंगे, उठाती हैं लाल रंग सिर पे लगाती हैं, कृष्ण को हमने अपना पति में कुरतुम नमः, अपना पति स्वीकार कर लिया, छाती पे लगाती हैं, शांति मिलती है उनको। पूर्णा पुलिंदा उरुगाए पद्म अब्जा श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेना तद्दर्शनास्मर रुजत्रेण रुषीयतेना लिंपन्तये आनन्कुचेषु जहुतात आधिम। पुलिंद्र शबरी जाति की स्त्रियां हैं, भीलिनी जैसे शबरी थी, जैसे शबरी माई राम की प्रिया थी ऐसे ही सारी भीलियां कृष्ण की भी प्रिया, कृष्ण के काल में भी शबरी हुई हैं। शबर एक जाति है जो सुअर का मांस खाती है, जंगल में रहती है, शबर जाति। लेकिन जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, कृष्ण का चिंतन करती हैं। और ये मन चली आदिवासी स्त्रियां कृष्ण को अपना पति प्राप्त कर पूर्ण संतुष्ट, श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन, स्तन पर लगा रही है उनका कुमकुम कि हम तुम्हें अपना सब कुछ स्वीकार कर चुके हैं। तभी गोपियों की दृष्टि गोवर्धन की ओर जाती है और श्री गोवर्धन महाराज जी को देखते हैं। आज हम गोवर्धन जी भी बनाने वाले हैं, गोवर्धन जी महाराज की ओर बोलो, गोवर्धन जी महाराज की। हंता अयम मद्री अबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयो तयो पानीय श्रीवास कंदर कंद मूले। हंत हंत शब्द का अर्थ है, कल मैंने बताया था अहो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, हंत भी अभिव्यक्ति है, ओहो हो हंत अभिव्यक्ति है। अद्री ये पर्वत जो है, अबला है सखी, अबला यानी अबला सखी है सखी। हरिदास वर्यम हरि के तीन दास हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी महाराज और गोवर्धन जी महाराज। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और उद्धव जी महाराज और इन तीनों में अगर वरिष्ठ भक्त किसी को गिना जाए, हरिदास वर्यम इन तीनों में भी श्रेष्ठ कौन, गोवर्धन। क्यों बोले, युधिष्ठिर कभी व्रज में नहीं आए, उद्धव व्रज में गए तो कुछ काल उपदेश देने के बाद गोपियों का प्रेम पाकर वो भी पुनः वापिस आ गए, लेकिन गोवर्धन जी महाराज ऐसे हैं नित्य प्रतिदिन युगो युगों से सत्युग से लेकर आज तक गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण लीलाओं का स्मरण करके आज भी व्रज कोष में विराजमान है।
हंतायम मदरी अबला हरिदास वर्यम यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कैसा हर्षित हो जाता है गोवर्धन, सेवा में बैठा रहता है, जब राम कृष्ण यानी कृष्ण और बलराम अपने चरणों का स्पर्श करते, अपनी गायों को लेकर कंदराओं में पानी पीने जाते हैं, झरने बहते थे गोवर्धन पे, वो पानी पीते हैं, अति मुलायम घास है गोवर्धन जी महाराज की, उस घास में चलते हैं, गुफाओं में खेलते हैं, वृक्षों से फल तोड़कर खाते हैं, कंदराओं में छुप जाते हैं, सब्जियां तरकारियां तोड़कर खाते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं खाते हैं, कच्ची मूली कच्ची गाजर आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं गोवर्धन हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, इससे उत्तम दास न कोई हुआ है न कोई होगा, इसलिए हमें इस पर्वत का आदर करना चाहिए। और चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोपियां कहती हैं ये जो झरने बह रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं गोवर्धन के आंसू हैं जो कृष्ण को पाकर के झलझल रो रहा है, हाय मेरा सौभाग्य कृष्ण ने मुझे छुआ, रो रहा है और आंखों से झरना बह रहा है। वृक्ष खड़े हो गए हैं यानी कि रोंगटे खड़े हो गए हैं उसके शरीर के, और उन रोंगटों से फल निकल रहे हैं यानी पसीने की स्वेद बूंदे निकल निकल कर टपक रही हैं फल के रूप में, ऐसा आनंद हुआ है कृष्ण यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, आनंद का अनुभव करता है केवल वेणु सुनने के माध्यम से। इतने में हे सखियों देखो कृष्ण बलराम को तो देखो जरा, वेणु बजाकर क्या करते हैं, गायों के थन से जब दूध निकालते हैं तो उनके पीछे के पैरों को रस्सी से बांध देते हैं, और जब दूध निकाल लेते हैं तो रस्सी निकाल कर अपने सर पर बांध लेते हैं जिसके आखिरी में एक मोती लगाया, और वो यहाँ लटक रहा है कृष्ण के और बलराम पगड़ी के ऊपर। यहाँ देखा होगा आपने टर्बन पर कभी कभी भक्त लोग ऐसे रस्सी लगा देते हैं, यहाँ एक मोती लगाते हैं श्रृंगार श्रृंगार रस, तो वो गायों की रस्सी अपने सिर पर लगाते हैं। गा गोप के अनुवनम नयतो उदार वेणु सयन कल्पदे तनु भ्रसु सख्या अस्पंदनम गतिमताम पुलक तरुणम निर्योग पाशा कृतलक्षणयो विचित्रम। अरे देखो इनके सर पर जो मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं इनके गायों के पैर में बांधने वाली रस्सी है। निश्चित ही ये बात अत्यंत आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन इनका गायों के प्रति जो प्रेम है ना कृष्ण का, वो हमसे अगर हो जाए, काश हमारे कपड़ों की रस्सी पहन ले, हमें कितना आनंद होगा। अब गायों से कंपैरिजन, पूरे वेणु गीत में कंपैरिजन ही कंपैरिजन। और अंतिम इस अध्याय का श्लोक जिसमें वेणु गीत समाप्त होता है, एवं विधा भगवतया वृंदावन चारिणी वर्णयन्तो मिथो गोपये क्रीड़ा तत्मयताम ययु। यही आचार्य कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये है इस्कॉन। क्या है ये है इस्कॉन? क्या है इस्कॉन? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, स्वामी जी इस सोसाइटी का नाम रखना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। स्वामी जी ने कहा गॉड कौन है? कृष्णा है, तो कृष्ण रखूंगा ना, गॉड रखूंगा तो लोग अपने अपने गॉड बना लेंगे बहुत सारे, इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? चेतना। चेतना में कृष्ण को बसाना इस सोसाइटी का काम है, ना तो कृष्ण की एक्टिविटी सिखाना कि सुबह उठो ये कर लो वो कर लो, क्रियाशील नहीं बनाना है, स्मरणशील चेतनाशील कृष्ण भावना भवित बनाना है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विधा, ये विधि है, अगर कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहते हो ये विधि करनी पड़ेगी। एवं विधा भगवते या वृंदावन चारिणः
वर्णयन्तो मिथु गोपया क्रीड़ा तत्मयताम ययु। तो जिस प्रकार से गोपियों ने क्रीड़ा करी है और कृष्ण का स्मरण किया, हर चीज में कृष्ण का, जिधर जाए दृष्टि हो एक इष्ट देव स्फूर्ति। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे के छोटे छोटे चप्पलों को देखती है, स्कूल चला गया है, अरे उसका तो टिफिन रह गया, उसकी उसकी चप्पल रह गई, उसका स्कूल का हैंकी रह गया, एक वस्तु से उसको पुत्र का स्मरण हो जाता है, पुत्री का स्मरण हो जाता है। ऐसे ही जिस दिन आपको कृष्ण की बनाई सृष्टि को देखकर बार बार कृष्ण का स्मरण होने लगेगा, तब आप जाने जाएंगे अब आप कृष्ण भावना भवित हो गए। तो ठाकुर जी से गोपियां कभी कभी बड़ा उत्साह पूर्वक पूछ लेती हैं, अरे कृष्ण तुम वेणु बजाते हो, लेकिन एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा रंग काला कैसे हो गया? और इसी बहाने शायद कृष्ण हमारे सवालों का जवाब देंगे, हमें उनकी नजदीकी मिलेगी, उनके समीप, उनके सामीप्य प्राप्त होगा। इसलिए कहती है, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। जोरदार ताली के साथ, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, काला हो कर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। बोलो बोलो, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों,
ऐसा तो नहीं हो सकता है। काली गाय भी होती है और सफेद गाय भी होती है, लेकिन काली गाय हो या सफेद गाय हो, दूध कैसा होता है? सफेद होता है। हमें पागल बनाते हो? काली गाय का कोई काला दूध थोड़ी होता है। काली गाय का दूध या पागल बना रहे हो? हमें बताओ तुम क्या कारण है। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ये नहीं तो ये हो सकता है। मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया, ओ मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाथ लिया, और काली नाग को नाथ लिया, नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों, बोलो बोलो, जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। कालिया नाग को नाथा तो आपने बाद में है ना, जब जन्म हुआ था तब फिर क्या गोरे थे, बाद में काले हो गए, आप तो जन्म से ही काले हैं। जब आप काले हैं तब तो सारी गोपियां आपकी दीवानी है, अगर आप गोरे होते तो गले कट जाते गोपिन के। तो प्रभु असली बात बताओ, कृष्ण कहते अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर एक और बात सुन लो, शायद इसलिए काला हूं। सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, और बादल भी बहुत बरसते, और बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग काला शीरा है, बादल का रंग काला जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों, निराला क्यों। बादल भले काले हों लेकिन उनकी बूंदें तो स्वच्छंद सफेद श्वेत होती हैं, बर्फ भी श्वेत होती है, ओस भी श्वेत होती है, तो तुम काले कैसे हो गए, ये तो नहीं है, कुछ और युक्ति बताओ। कृष्ण कहते हैं मैं अंतिम बात बताता हूं, ये तो निश्चित में मानना पड़ेगा,
सखी नैनों में कजरा लगाती है, 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 और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। कजरे का रंग काला, प्रकार वेणु गीत हमने संक्षिप्त में समाप्त करना, समय की कमी के कारण, वरना बहुत गहरा विषय है, 7 दिन इस पर चर्चा हो सकती है और हम करते भी रहते हैं भक्त लोग। अभी गोवर्धन उत्सव यहाँ पर बनाया जाएगा और गोवर्धन के कुछ देर गोवर्धन के भाव को अर्जित करते हैं, फिर आज यहाँ पर महारास लीला का भी आयोजन किया गया है भक्तों के माध्यम से, वो भी आपको देखने को मिलेगा, नाटिका उत्सव। तो
भगवान कृष्ण जब 7 साल के बालक हुए तो उन्होंने एक दिन अपने बाबा नंद से कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं, किस लिए इतना भोजन बनाया जा रहा है? तो बाबा ने कहा, आज इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है जिसे हम हर वर्ष करते हैं। तो बाबा बोले, इंद्र को अगर पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाता है, इसलिए इंद्र की पूजा करनी पड़ती है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, व्रत करने पड़ते हैं, उसको भोग लगाना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने अपने बाबा को ज्ञान देते हुए कहा, बाबा वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है, अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन ना करे उसमें हमारी क्या गलती है, इसलिए हमें ये भोग गोवर्धन महाराज को देना चाहिए जो हमारी गायों को घास देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, हमारे खेलने के लिए कंदराएं देते हैं। समुद्र कभी इंद्र की पूजा नहीं करता है लेकिन फिर भी उसको हमेशा जल मिलता है। कभी समुद्र में जल खत्म हुआ? लेकिन क्या कभी समुद्र देव ने इंद्र की पूजा करी? भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान रखा और कहा, इसलिए आपको इस इंद्र की पूजा छोड़ देनी चाहिए। देवताओं की पूजा में और भगवान की पूजा में क्या भेद है? भगवान कृष्ण ने इस लीला से समझाया है कि जब कोई व्यक्ति देवता की पूजा करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उसके मनोवांछित फल उसे प्रदान कर देते हैं, लेकिन उनका संबंध उस भक्त से नहीं होता है। इस कारण से कभी कभी ऐसी चीज दे देते हैं जो उसके लिए हानिकारक होती है। जैसे एक बच्चे को आपने 50 रुपए दिए और बच्चा आइसक्रीम खरीदने गया जिसका गला खराब है, आइसक्रीम की दुकान पर गया, अंकल अंकल 50 रुपए की आइसक्रीम दे दो, वो देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? क्यों? क्योंकि उसका संबंध ही नहीं है, तुम्हारा गला खराब हो तुम्हारे माता पिता का। लेकिन अगर माता जी पिताजी को पता है कि इसका गला खराब है तो क्या वो आइसक्रीम देंगे? बच्चे के मांगने पर भी नहीं देंगे। इसलिए कभी कभी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं और व्यक्ति कहता है, मैंने इतना जप किया, मैंने इतनी प्रार्थना करी कृष्ण की राम की, उन्होंने सुना क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हें क्या देंगे? दवाई देंगे। अब माता पिता बच्चे को दवाई देंगे तो दवाई खाने के लिए बच्चा कहेगा, कड़वी चीज देते हैं मेरे माता पिता, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो दवाई उसके फायदे की। हो सकता है प्रभु कभी कभी आपको कष्ट दे लेकिन वो आपके फायदे के लिए, आपके शुद्धिकरण के लिए। लेकिन देवता ऐसे नहीं होते हैं, देवता कुछ भी दे देते हैं, आप कुछ भी मांगेंगे। आजकल बड़ा YouTube में प्रचार चल रहा है, एक लौंग लो उसे दिए में लगाओ जला दो तुम्हारा ये हो जाएगा, लक्ष्मी जी का ये हो जाएगा, उसका नींबू में ये रखो तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर ये करने से होता, मैं उन महाराज जी से बोलता हूँ और जाकर के कोई भी बोल दे और बता दे इस बात को, प्रमाणित कर दे कि अगर नींबू मिर्ची से किसी की रक्षा होती तो भारत के सैनिकों की गोली उतरवा कर उनके गले में नींबू मिर्ची टांग देना चाहिए था ताकि एक भी गोली हमारे भारतीय सैनिक को ना लगे। आप पढ़े लिखे होकर के, समझदार होकर के, शास्त्र का ज्ञान जानने वाले भारतीय लोग कैसे नींबू मिर्ची में फंस जाते हैं? गाड़ी खरीदेंगे 20 लाख की, 30 लाख की, जाएंगे पूजा करवाने पंडित जी, उसमें नींबू मिर्ची बांध देंगे, पीछे चप्पल पुरानी टांग देंगे, एक्सीलेटर ब्रेक सब फेल हो गए, नींबू मिर्ची काम करेगा? ये भारतीय संस्कृति नहीं है, टोना टोटका हमारी संस्कृति नहीं है। भगवान कृष्ण इसी बात को काटा है, इंद्र पूजा बंद करो और कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। कृष्ण स्थापित किया, आप सब जानते हैं, गोवर्धन आज भी विराजमान है, उस बात को पुकार पुकार के गोवर्धन जी कह रहे हैं, करनी है तो मेरी शरण में आओ। एक बार एक माता पिता थे, उन्होंने अपने बच्चे को दवाई पिलानी थी तो पिताजी बोले माता जी से, अरे देखो इसको दवाई तो खिलाना जरूरी है लेकिन ऐसे तो खाएगा नहीं, इसको मिठाई के लड्डू में लगा के दवाई दे दो। तो दवाई की गोली लड्डू में डालकर दे दी। मां ने जब दे दी, पिताजी पूछे, बेटा लड्डू खाया? तो बच्चा बोला, हां पिताजी मैंने खा लिया और अंदर का बीज निकाल के फेंक दिया। तो कभी कभी हमारे अंदाजे भी गलत हो जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमारे अंदाजे गलत नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्ण जब भी करेंगे रक्षा हेतु। कृष्ण भगवान ने कहा, तस्मात् गवां ब्राह्मणां
अद्रे चार भयतामख ये इंद्रयाग संभारास्ते अयम साध्यतामख। गायों ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत की हेतु आनंद के लिए हमें इस यज्ञ का शुभारंभ करना चाहिए। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्रित करी गई है ये सब ही भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का गोवर्धन जी को अर्पित की जाए। और अर्पित करने से पहले गोवर्धन जी की परिक्रमा करी जाए, यानी कि भोजन खाने से पहले परिक्रमा करनी चाहिए। जब भरपेट भोजन खा लेंगे और अच्छे वस्त्रों में परिक्रमा करनी चाहिए। लोग जाते हैं निक्कर में परिक्रमा करने, मैंने देखा है पैंट जींस को फोल्ड करके और बातें करते ऊपर, और तेरी नौकरी कैसी चल रही है, मेरी तो बेकार चल, तेरी पत्नी कैसी, मेरी पत्नी बेकार, तेरा भाई कैसा, तेरा भाई कैसा। ये परिक्रमा का भाव कृष्ण ने नहीं दिया। परिक्रमा के तीन तरीके बताए गए हैं, या तो हाथ में माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या तो ऐसे कीर्तन करते हुए जप करते हुए जाओ, या तो जोर जोर से कीर्तन करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कीर्तन करते हुए जाओ। और तीसरा तरीका है कि परिक्रमा करो ग्रुप में और एक लीला स्थली पर रुको, लीलाओं का श्रवण करो, फिर आगे बढ़ो। फिर इस तरह से तीन प्रकार से परिक्रमा कर जा सकते। बातें करके परिक्रमा करना अलाउड नहीं है। अभी भी नहीं सुन रहे हो आप, रात को परिक्रमा लगाना अलाउड नहीं है। रात को 9 बजे के बाद गोवर्धन जी सो जाते हैं और सोए हुए भगवान को उठाने से अपराध लगता है, वो परिक्रमाएं आपको अपराध लगाएंगी रात के 9 बजे के बाद। पूरी दुनिया नगा रही है कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया गड्ढे में जाएगी, आप भी जाओगे। दुनिया पूरी अगर गलत करेगी तो आप भी गलत करोगे। सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कभी भी लगाओ। रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक भगवान शयन करते हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। जब परिक्रमा लगाएं तो सुंदर अलंकृत वस्त्र होने चाहिए। सुअलंकृतां भुक्तवन्तः सवनोलिप्तं सुवाससं प्रदक्षिणां च कुरुतो गो विप्रानल पर्वतान। गायों को घास चारा खिलाते हुए ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेकर वैष्णव भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। और जब परिक्रमाएं पूर्ण हो जाएं, तो उन्होंने कहा जितना भी ये बना है भोजन गोवर्धन जी को भोग लगाया जाए। तो गोवर्धन जी को भोग लगाया गया। ठाकुर जी ने अपना एक विशाल रूप लेकर के उस पर्वत के ऊपर प्रकट दिखाया और कहा तुमने इंद्र की इतने साल पूजा करी, कभी इंद्र आया कभी इंद्र आया, लेकिन देखो हमारा देवता आज गोवर्धन प्रकट हुआ है। कृष्णस्तु अन्यतम रूपम गोप विस्मराणम गतः शैलो अस्मि इति ब्रुवान् भूरी बलिमादात बृहत वपुः। गोवर्धन जी ने कहा देखो शैलो अस्मि, मैं ही हूं। नीचे भी एक कृष्ण थे, ऊपर भी एक कृष्ण थे, सारा भोजन ग्रहण करने लगे। बड़े बड़े लड्डू कचौड़ी के मर्तबान, बड़ी बड़ी टोकरियों में जितना भोजन था खा गए और जोर से कहते हैं अन्नौर अन्नौर। आज भी एक गांव है, उसका नाम है अन्नौर गांव, मुखारविंद। तब ठाकुर जी सब ग्रहण कर गए। तब बलराम जी ने कहा क्या किया जाए, पुनः भोजन बनाया गया, फिर गोवर्धन जी को भोग लगाया। गोवर्धन जी फिर खा गए, सब खाकर कहते अन्नौर अन्नौर, और चाहिए। नीचे कृष्ण, ऊपर भी कृष्ण, बलराम जी कहते क्या लीला चल रही है, ये कृष्ण कौन सी लीला कर रहे हैं, मेरे को ज्ञात नहीं है। फिर समझ गए
ये तो कृष्ण है। बाबा एक तुलसी का पत्र चढ़ाओ तो कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। एक जैसे तुलसी का पत्र चढ़ाया, गोवर्धन जी जोर से डकार मारे, ओ अब हो गया, अब पूर्ण हो गया। नमो नमो तुलसा महाराज, बिन तुलसी प्रभु एक नमः। तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो गोवर्धन जी आ गए यहां पर, गोवर्धन जी महाराज की। तो गोवर्धन जी जब आए, इंद्र ने बहुत बारिश करी, कहा पूरे ब्रजमंडल को इतना डुबो दो पानी में, याद रखें कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। संवर तक बहुत जोर जोर से पानी गिराना, और यहां पर पानी गिराया गया, बहुत जोर जोर से पानी गिराया। सारे लोग बोले कृष्ण रक्षमाम रक्षमाम, कृष्ण हमारी रक्षा करिए। कृष्ण बोले चिंता की जरूरत नहीं है, जब तुमने मेरी शरण ली है तो मैं कुछ करूंगा। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने दौड़ करके, उस जगह एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी को अपने उल्टे हाथ की कन्नी उंगली के ऊपर धारण किया। बोलो गिरिराज धारण की। जब इंद्र ने कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन देखा, कृष्ण योग अनुभावम तम निशम्मये इंद्रः अति विस्मितः, अति विस्मित हो गए। निस्तंबो भ्रष्ट संकल्पः स्वान मेघान सन्निवार्य। अरे रुको रुको बादलों, अब पानी बरसाना बंद कर दो, मुझे जाना पड़ेगा नीचे। 7 दिन 7 रात बीत गए हैं, लेकिन ये बच्चा कौन है? 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात तक इसने एक इतने बड़े पर्वत को अपने उल्टे हाथ की कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर धारण कर रखा है, कौन है ये? विस्मित हो गए, अति विस्मित। जब इंद्र नीचे आए तो देखते हैं भगवान कृष्ण एक शिलाखंड के ऊपर खड़े थे, जिसका नाम है हरिदेव मंदिर। आप कभी जाएं मानसी गंगा पे, हरिदेव जी का मंदिर वो स्थान है जहां पर कृष्ण ने गोवर्धन जी को अपने हाथ में धारण किया था, और शिलाखंड के ऊपर चढ़कर प्रभु ने धारण किया। बलराम जी सर्प रूप में क्वायर बन गए, अंदर एक भी बूंद पानी की नहीं जाएगी, व्रज में सारा पानी गिर रहा है। ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का छोड़ा हुआ था कि हवा आती रहे समीर, और गोवर्धन जी ऊपर से रक्षा कर रहे हैं, और अंदर कृष्ण त्रिभंग ललितम। जब गोवर्धन उठाया तो सीधे थे, लेकिन जब वेणु उठाई और बजाने लगे तो 3 जगह से टेढ़े हो गए, मुख से, कमर से, पैर से। त्रिभंग ललितम रूप में गोवर्धन जी को धारण किए गिरिराज, गोवर्धन धारण करने वाले प्रभु गिरधारी। सभी गोपियां, ग्वाल, व्रजवासी, 84 कोस मंडल, 252 किलोमीटर में जितने थे, सब दौड़े दौड़े आए, कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोवर्धन तुम्हारी। और सभी भक्त बड़े प्रसन्न चित होकर आनंद मग्न आनंद अनुभव कर रहे थे। क्या देखते हैं कि अंदर तो उत्सव चल रहा है। इंद्र कहता है विस्मितः, अति विस्मितः। मैंने तो सोचा था बच्चा होगा रोएगा, ये क्या हो गया, लेकिन यहां तो आनंद हो रहा है। 7 डे भागवत सप्ताह का नाच हो रहा, कीर्तन हो रहा है। बारिश की एक बूंद अंदर नहीं आई है। बाहर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला रखा था, जितना पानी गिरता था वो ड्राई हो जाता। बलराम जी पाइप बने, अंदर बूंद नहीं आ रही है, जितना गिर रहा है वो ड्राई होता जा रहा है, और ऊपर से हवा आ रही है, अंदर फेस्टिवल चल रहा है, बाहर इंद्र तड़प रहा है। इंद्र ने कहा बादलों रुक जाओ, संवर तक रुक जाओ। संवर तक गुस्सा होकर बोला अब क्या रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सारा तो खाली हो गया, अब क्या रुक जाओ, अब कुछ बचा ही नहीं रुकने के लिए। खैर चलो चलो जल्दी नहाओ, कृष्ण से क्षमा मांगने चलेंगे। संवर तक गया, तुम ही नहा लो, पानी एक बूंद नहीं बचा अपने नहाने के लिए भी, सारा तो बसरवा दिया तुमने वहां पर, कुछ नहीं बचा है नहाने के लिए। तो फिर बड़े घबरा गए, बोले क्या करें। तब सुरभि गाय की पूंछ पकड़ करके धीरे धीरे इंद्र छुपते छुपाते, आज भी वह स्थली है मान भंजन स्थली, जहां पर इंद्र के मान का भंजन हुआ। इंद्र ने देखा अंदर आनंद हो रहा है,
सारे भक्त जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, आनंद मग्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। तो आपसे आशा करेंगे कि आप सब भी अभी यहाँ पर खड़े होंगे, गोवर्धन जी की इस कीर्तन में आनंद का अनुभव करेंगे और यह भाव रखेंगे हम गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे ऊपर गोवर्धन जी महाराज हैं और हमें कृष्ण का दर्शन हो रहा है। गोवर्धन जी आपके मध्य भाग में हैं और आपको कीर्तन में नृत्य करना है। देखिए कौन कौन खड़ा होकर कीर्तन करता है और आपको अपने स्थान पर परिक्रमा करनी है गोल गोल घूम करके। अगर आपने 7 परिक्रमाएं कर ली तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। ओ तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। बोलो गिरिराज धरण की। तेरी कट जाए बाधा जीवन, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। गिरिराज शरण में जो भी आए, गिरिराज शरण में जो भी आए, 84 के फंद छुड़ाए, 84 के फंद छुड़ाए। गिरिराज जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की।
बाके बिदारी है बाके झांकी, बाके गिरधारी की बाकी है झांकी, बाके गिरधारी की बाकी है झांकी, अनुपम अद्भुत छटा यहाँ की, 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 जय बोलो सभी राधे मोहन 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 की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए वादा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए वादा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए वादा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। जटीपुरा में जो भी आवे, जटीपुरा में जो भी आवे, जटीपुरा गोवर्धन का मुखारविंद है, जटीपुरा में जो भी आवे, जटीपुरा में जो भी आवे, सारा दूध जले भी खावे, सारा दूध जले भी पावे, जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए वादा गोवर्धन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी, संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, गोवर्धन पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, 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 तुम संतन हितकारी, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी, संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे नाते मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे
विकट विराज रहो तरे माथे मुकट विराज रहो तरे माथे मुकट विराज रहो तरे माथे मुकट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तरे माथे मुकट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तरे माथे मुकट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर है विश्राम 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 महाराज महाराज तोरे माथे मुकट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तोरे माथे मुकट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा साज रहो 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 कुंडल साज रहे कान बोलो श्री गोवर्धन जी महाराज की जय गिराधरण की गिरधारी की निताय निताय गौर हरि प्रेम आनंदे पार्थ कृष्ण प्रभु